अब तू चुप क्यों खड़ा है? बोल कुछ, आखिर किरत तेरी लगती क्या है? क्यों किया तूने ऐसा? प्यार के लिए, मैंने ये सब प्यार के लिए किया। किरत से प्यार करता हूं मैं। तुझे देख के साफ नजर आ रहा है कि फिर के ऐसा बोलने से तुझे शौक लगा, लेकिन कुछ तो बोल। तेरी चुप्पी से सबकी उलझने बढ़ती जा रही है। क्या बोलूं दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm really sorry, किरत। ये बात तुम तक इस तरीके से पहुंची, लेकिन अश्वीर, अब एक शब्द और मत बोलना। मेरे बेटे का तो दिमाग खराब था जो इसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली, लेकिन तुम बेशर्मों की तरह अभी तक यहीं खड़ी हो। वो रहा दरवाजा, जाओ जाओ यहां से। आंटी जी, मैं तो बस वीर को बहुत चोट आई थी, मेरा दोस्त है इसलिए। दोस्त? कौन दोस्त? कैसी दोस्त? मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ ना, मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन अब तुम्हारा और हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ साहिबा और सीरत की बहन हो हमारे लिए। मेरे वीर से बिल्कुल दूर हो जाओ, आया समझ तुम्हारे? और अब तुम निकलो यहाँ से। जाओ, निकल यहां से। मम्मी, क्या कर रहे हो आप? चाची जी, मैं जानती हूं बहुत गुस्से में, नाराज है, पर प्लीज किरत के साथ ऐसा मत कीजिए। प्लीज हाथ छोड़िए उसका। चाची, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो आप उसके साथ? प्लीज छोड़ो उसे। गुलिन बिल्कुल ठीक कर रही है, तू निकाल दे उसे घर से बाहर। चाची जी, मम्मी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वही कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए। तेरी बहन अपने साथ हुई बदसुलूकी का जाल बिछाकर मेरे बेटे को उसमें फंसाना चाहती है, और ये मैं होने नहीं दूंगी।